आइए सुनते हैं इस प्यारे से वचन को कि बाबा बड़े दुख परेशानी बड़ी आशा के साथ तेरे दरबार में आया हूँ और आज तुझसे पूछता हूँ, एक बच्चा हूँ, जिद करके विश्वास से कहता हूँ, सुनिएगा कि साथी हमारा कौन बनेगा, तुम्हें ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। अरे बाबा कहाँ जाऊँ, किससे कहूँ, किसी से मदद मांगने जाओगे अगर मदद कर देगा तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको ताना जरूर मारेगा कि मैंने उस समय तेरी मदद करी थी, लेकिन इसके दरबार में आके जितना मांगोगे गलती करोगे तो भी माफ कर देगा, लेकिन हाथ नहीं छोड़ेगा। आज आए हो इतने समय तक इतनी सर्दी में रुके हो, पूछ लेना अपने अपने भाव से कि बाबा तुम्हें ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, के साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। आओ जरा जो जो सुनाने आया है दिल की बात, जो जो विश्वास से आया है अपने अपने भाव से, अब नहीं बोलूंगी ताली बजाओ, अब वही ताली बजाना जो सच्चे और श्रद्धा भाव से आया। आओ के साथी हमारा कौन बनेगा, जाना भाव से एक दो तीन बजाओ ताली, साथ में कह देना बाबा से, पूरे भाव से गा देना, आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, और बाबा जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए, संकट हमारा
बाबा के दरबार में आता है, आंसू बहते हैं आंखों से और कहता है बाबा से, बाबा पानी है सर से ऊपर मुसीबत अड़ गई है, पानी है सर से ऊपर मुसीबत अड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। अरे अपने हाथ से हाथ पकड़ना, बताओ सच में जिस जिस को लगने लगी है वो हाथ उठाना, बाबा से किस किस को लगन लगी, जिसे जिसके तार जुड़े हैं ताली बजाओ, ताली बजाओ धीमा धीमा, कहना ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, खाटू वाले तू हमेशा मेरे साथ रहे, खाटू वाले तू हमेशा मेरे साथ रहे, ओलीले वाले तू हमेशा मेरे साथ रहे, ओलीले वाले तू हमेशा मेरे साथ रहे। और प्रेमी कहता है बाबा ओ जैसे दीपक और बाती साथ रहे, जैसे मेरा सांवरा हमेशा मेरे साथ रहे, मेरा सांवरा हमेशा मेरे साथ रहे। जय हो, बोलो खाटू नरेश की। आनंद आया हो, ऐसा कौन कौन है जो जहां बाबा का कीर्तन होता है वहां चले जाते हैं, इधर वाले भी जाते हैं, ये नहीं सोचते कितना दूर है कितना पास है, अगर कोटा होगा तो कोटा भी चले जाएंगे, ये प्रेमी पता है क्यों जाते हैं, तुमसे मिलना बातें करना ओ बड़ा अच्छा लगता है, तुमसे मिलना बातें करना कैसे लगा। पहले इतनी पूजा सेवन नहीं करता था, लेकिन जब से आपसे जुड़ा मुझे खुद समझ नहीं आता, आपकी तरफ खींचा चला जाता हूँ, क्या है ये क्यों है ये क्या खबर क्यों मगर जो भी है वो बड़ा अच्छा लगता है, वो बड़ा अच्छा लगता जिंदगी भर चरणों की सेवा करता है, जैसे हमारे दरबार वाले भैया दिन रात भोग लगाते होंगे सेवा करते होंगे, ऐसे मेरी माताएं बहनें घर में भोग लगाती होंगी पूजा पाठ करती होंगी, भैया मंदिर जरूर जाते होंगे, कुछ भी काम धंधे पर गए पहले मंदिर गए, वो प्रेमी कहते हैं जिन्हें सच्ची लगन है, क्योंकि कलयुग में हर इंसान पूजा पाठ धर्म की ओर नहीं जा रहा, कुछ लोग हैं इधर जाते हैं तो कुछ इधर भी जाते हैं, लेकिन जो धर्म की तरफ है वो कहते हैं जब तक सांसें चलेगी, जब तक सांसें चलेगी तुझको चाहूंगा शाम, कहना मेरे साथ
में सारे कह देना क्या कि तुम्हें ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। ओ बाबा तुम्हें ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। बोलो खाटू नरेश की। ये क्या है? इत्र की शीशी। और ये क्या है? हालांकि छोटा है लेकिन जो बड़ा वाला गुलाब होता है गुलाब वो हम किसी को कब देते हैं? जब हम किसी को बहुत ज्यादा प्रेम करते तब हम उसको गुलाब देते हैं। जब हम किसी और प्रेम करते हैं तो उसको गुलाबी तो देते हैं। ये नजारा खाटू का है। जब भक्त पहली बार जाता है तो बाबा से कुछ लेने जाता है क्योंकि उसने सुना होता है कि बाबा बहुत कुछ देता है। लेकिन जब वो दूसरी बार जाता है तो बाबा को कुछ देने जाता है क्या? धन्यवाद धन्यवाद। लेकिन जब वो तीसरी बार जाता है तो वो ना तो कुछ लेने जाता है और ना कुछ देने जाता है। वो क्यों जाता है? सुनो इस भजन में। जब वो जाता है तो बाबा से क्या कहता है? एक हाथ में मेरे इत्र की शीशी दूजे में गुलाब है। एक हाथ में मेरे इत्र की शीशी दूजे में गुलाब है। और मिलने आया क्योंकि बाबा मुझको तुमसे प्यार है। मिलने आया क्योंकि बाबा मुझको तुमसे प्यार है। जब वो तीसरी बार जाता है ना तो सिर्फ उनसे मिलने जाता है, ना कुछ लेने और ना कुछ देने जाता है। कौन कौन ऐसे जाता है बाबा के लिए गुलाब और इत्र लेके? दोनों हाथ उठा लेना और मिलके कहे। और अगर नहीं भी ले जाते हो तो अगली बार से लेकर जाना और बाबा से कहना क्या? एक हाथ में मेरे इत्र की शीशी दूजे में गुलाब है। एक हाथ में मेरे इत्र की शीशी दूजे में गुलाब है। मिलने आया क्योंकि बाबा मुझको तुमसे प्यार है। मिलने आया क्योंकि बाबा मुझको तुमसे प्यार है। कौन कौन बाबा से प्रेम करता है एक बार तो हाथ डालकर बता दो और मिलके होगा। जब हम खाटू जाते हैं ना तो लाइन में लगते हुए जाते हैं और साथ में भजन भी गाते हुए जाते हैं, श्याम बाबा का जयकारा भी लगाते हुए जाते हैं। लेकिन वो भक्त बाबा से क्या कह रहा है कि बाबा याद है मुझको जब जब इस दुनिया ने मुझे सताया था तब तब आकर खाटू वाले तूने गले लगाया। याद है मुझको जब जब इस दुनिया ने मुझे सताया था तब तब आकर खाटू वाले तूने गले लगाया था। बाबा याद है मुझको जब जब इस दुनिया ने मुझे सताया था तब तब आकर खाटू वाले तूने गले लगाया था। याद है
दुनिया ने मुझे सताया था, तब तब आकर खाटू वाले तूने गले लगाया था। याद है मुझको जब जब इस दुनिया ने मुझे सताया था, तब तब आकर खाटू वाले तूने गले लगाया था। बाबा मैं कुछ याद कृपा हर पल मुझको याद, बाबा मैं कुछ याद रखूं या ना रखूं, लेकिन ये चीज कभी नहीं भूलूंगा जो कृपा आपने मुझ पे की है। कौन सी? कैसे भूलूं तेरी कृपा हर पल मुझको याद है, कैसे भूलूं तेरी कृपा हर पल मुझको याद है। मिलने आया क्योंकि बाबा मुझको तुमसे प्यार है, मिलने आया क्योंकि बाबा मुझको तुमसे प्यार है। एक बार वो भक्त हाथ उठाना जो इनकी कृपा को कभी नहीं भूलेगा, दोनों हाथ उठा के एक दो, एक दो। आज एक वादा हम सब मिलके करेंगे बाबा से, ज्यादा नहीं केवल एक वादा बाबा से कर लो कि बाबा तेरी कृपा से अब तक जिया हूँ आगे भी जीता जाऊंगा, जब तक मुझ में सांस है बाबा नाम तेरा ही गाऊंगा। तेरी कृपा से अब तक जिया हूँ आगे भी जीता मुझ में सांस है बाबा नाम तेरा ही गाऊंगा। और गौरी साक्षी का तू ही तो इकलौता दिलदार है, गौरी साक्षी का तू ही तो इकलौता दिलदार है। मिलने आया क्योंकि बाबा मुझको तुमसे प्यार है, मिलने आया क्योंकि बाबा मुझको तुमसे। सुनो कभी भी आपको कोई कष्ट दे, तकलीफ दे, टेंशन दे, तो आप कभी टेंशन मत लेना। कभी भी आपका कोई दिल दुखाए तो आप घबराना नहीं, क्योंकि उसने आपका दिल दुखाया ना होता, उसने आपका दिल दुखाया ना होता तो तूने इससे दिल लगाया ना होता। मिलके कहो, मिलने आया क्योंकि बाबा मुझको तुमसे प्यार है, मिलने आया क्योंकि बाबा मुझको तुमसे प्यार है। एक हाथ में मेरे इतर की शीशी दूजे में आप गाना मिलके। एक हाथ में मेरे दूजे में, एक हाथ में मेरे दूजे में, मिलने आया क्योंकि बाबा मुझको तुमसे, मिलने आया क्योंकि बाबा मुझको तुमसे, अरे मुझको तुमसे बाबा मुझको तुमसे। जय श्री श्याम दोस्तों। दोस्तों भजन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसी प्रकार के और भी भजन सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।